नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूँ कीर्ति सिंह। आज नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे झारखंड राज्य में लोग सेवा दिवस मना रहे हैं। इसे लेकर आज रांची के जयपुर बस्ती में ग्रामीणों और किसानों के बीच सैनिटाइजर, मास्क और खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। इस अवसर पर झारखंड के किसान मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह तोमर मौजूद रहे और लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और भोजन का वितरण किया। ये पूरा सिलसिला आज रांची के जयपुर बस्ती, जो कि कोंगे में है, वहां पर जयपुर पंचायत समिति के सदस्य नरेश पाहन के आवास पर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रांची गोंदा मंडल महानगर के प्रभारी, इस कार्य में मुख्य रूप से रांची गोंदा मंडल के महामंत्री नयन परमार, पंकज श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे और योगदान प्रदान किया। साथ ही इस मौके पर झारखंड महानगर के किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह तोमर ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि नरेंद्र मोदी आज भी किसानों के साथ थे और कल भी किसानों के हित के बारे में ही सोचेंगे। इसीलिए तो कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी किसानों की जो 8वीं किश्त है उसे भी जारी कर दिया। साथ ही कल उन्होंने जो भारत की जनता है और खासकर किसान, उनके लिए एक बड़ा निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस भी किसान और जिस भी व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, अब उन सभी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर नयन परमार भी मौजूद रहे और उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।